डीमक्स वहां। अभी इसकी मैं वेव फॉर्म में आपको थोड़ा क्लियर कर दूंगा, इसे हम वेव फॉर्म में दोनों को किस तरह कनेक्ट करते हैं ये आप देखिएगा। मैंने आपको वेव फॉर्म इसकी एक चीज बताई थी कि पहले हम बनाएंगे एस नॉट, वहां पर भी मैंने एस नॉट सबका अलग अलग से ले लिया था। एस नॉट की कंडीशन है, एक्स नॉट आपके पास आ रहा है 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0 1। ठीक बेटा, इस चीज को हम आगे ले लेते हैं। ये हो गया आपके पास टी नॉट, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 एंड T8, लास्ट इज T9। 0 1 0 1 0 1 0 1 एंड 0। उसके बाद S1 इक्वल टू आपके पास है 00। फर्स्ट लेके आपके पास 00, 11, उसके बाद 00, 11, लास्ट आपके पास 00। यहां पर तो एक ही फॉर्म दी गई है आपके पास। थोड़ा इसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ ऊपर। ये डॉटेड्स के जरिए थोड़ा हमें आसानी हो जाती है, इसलिए ये उसी की टाइमिंग डायग्राम इस डॉटेड्स पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बन रही है, तो उसी वजह से इसकी आउटपुट्स हम शो कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि डी नॉट हम अपनी मर्जी से लेते हैं कि डी नॉट की कंडीशन कहाँ है क्या है। जैसे यहाँ पर आपका 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 हो गया, सारा 0 ले लेता हूँ। यहाँ आपके पास इसकी कंडीशन 1, ये 0 पता, ये मैंने अपने हिसाब से ले लिया 0 0 0 1 1 1 एंड 0। ये डी नॉट हो गया। डी वन की इसी तरह हम ले लेते हैं, यहाँ पर हम इसकी कंडीशन हाई कर लेते हैं अगेन, यहाँ पर थोड़ा सा इसको 0 कर लेते हैं, ये आपके पास इसकी कंडीशन हाई हो गई। यानी 1 1 0 0 0 0 1 1 1। इस समय आपके पास डी टू की आपके पास यहाँ से आपका डेटा 0 हो गया, यहाँ से हम इसको फर्दर पूरे को हाई ले लेते हैं 0 0 0 1 1 1 1 1 1। प्लस और इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब आ गया D3। D3 आपके पास यहाँ तक मैं लेता हूँ 0, और ये आपके पास हाई हो गया 0 0 0 0 1 1 1 1 1। अब इसी के बेस पे यहाँ तक आपके पास मक्स की कंडीशन आ गई। अब मक्स आपको पता है कि आपके पास वाई की इनपुट्स लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि आपके पास
टी नॉट से टी वन तक कंडीशन क्या है, टी नॉट से टी वन तक देखेंगे कि आपके पास जीरो जीरो है और टी जीरो जीरो जो कोड है टी नॉट का, अगर यहां पर इसकी कंडीशन जीरो है तो आपके पास क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगी। उसके बाद देखें टी वन से टी टू तक ये कोड है आपके पास 10 का, ये आपके पास कोड है डी वन का। अब यहां पर डी वन की कंडीशन आपके पास हाई है तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद आ जाए 0 1 अगेन इस एरिया में टी टू से टी थ्री तक, 0 1 में देखें आपके पास ये कोड है डी टू का, लेकिन डी टू की कंडीशन जीरो है तो आपके पास क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। टी थ्री से टी फोर तक देखें 1 1 है, 1 1 कोड है आपके पास डी थ्री का और डी थ्री की कंडीशन आपके पास अगेन जीरो है तो आपके पास यहां पर भी जीरो हो जाएगा। उसके बाद फिर 0 0 कोड है आपके पास डी नॉट का और डी नॉट का यहां पर देखें डी नॉट की लाइन ये आ रही है और इस एरिया में देखेंगे टी फोर से टी फाइव तक आपके पास देखेंगे तो ये आपके पास ये इसकी कंडीशन देखें तो यहाँ पर इसकी जीरो है तो ये आपके पास कंडीशन जीरो हो जाएगी। फिर अगेन 1 0 आपके पास कोड है डी वन का और डी वन की कंडीशन फिर भी जीरो आ रही है तो यहाँ पर भी आपके पास कंडीशन क्या आ जाएगी, जीरो हो जाएगी। 0 1 कोड है आपके पास डी टू का और डी टू के इस एरिया में देखिए कंडीशन हाई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। अब उसके बाद 1 1 है, ये कोड है आपके पास डी थ्री का और डी थ्री की कंडीशन हाई है तो आपके पास यहाँ पर भी कंडीशन इसकी 1 हो जाएगी। फिर अगेन 0 0 0 0 कोड है आपके पास डी नॉट का तो इस एरिया में देखें डी नॉट की कंडीशन दोबारा आपके पास जीरो हो गई तो यहाँ से आपके पास फिर डी नॉट आपके पास वाई इक्वल टू जीरो, ये आपके पास यहाँ तक तो बन गया मक्स, मक्स की वे फॉर्म आपके पास कंप्लीट हो गई है आपको बन गया और यही आपके पास इसकी वाई की इनपुट्स निकली है। मक्स में क्या था, मैनी इंटू 1 आपके पास ये मैनी डेटा है, यूज़र हैं और उसकी आउटपुट जो आपके पास आ रही है ये आपके पास आ रही है जिसे हम डेटा इनपुट्स भी कहते हैं या डेटा सिलेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब इसी बेस पे इसको थोड़ा मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा आगे कि इसको डी मक्स में किस तरीके से बनाना पड़े, ये मक्स कनेक्ट टू डी मक्स है। मक्स कनेक्ट टू डी मक्स कनेक्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको डी मक्स की वे फॉर्म मैंने नहीं बनाई थी, पहले मैं वो बना के दिखाता हूँ फिर मैं इसको कनेक्ट करूँगा। ये मैं आपको डी मक्स की सिंपल वे फॉर्म बनाऊँगा कि डी मक्स किस तरह उसकी वे फॉर्म होती है। सेम कंडीशन है आपके पास जैसे एस नॉट है 0 1 0 1 एंड 0 1 0, एस वन है आपके पास ठीक बेटा। अब एस वन आपके पास है 00 11 एंड 00 11 0 1 0 1 0 1 एंड 0 00 11 11 01। यहाँ पर होता था डेटा इनपुट्स,
ये हम अपनी तरफ से लेते हैं, वहाँ पर आगे हाई हो जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ कंडीशन हाई जा रही है, हाई करके यहाँ पर लो हो गई, अगेन फिर हाई हो गई, ये कंडीशन है। अब इसमें हमें एम नॉट की कंडीशन चेक करनी है, एम वन चाहिए, एम टू चाहिए और एम थ्री चाहिए। ये आपके पास चार इनपुट्स आप देखेंगे कि आपके पास कहाँ कहाँ पर आ रही हैं। टी नॉट से टी वन की कंडीशन में देखें, आपके पास जीरो जीरो जो कोड है आपके पास है एम नॉट का, एम नॉट यानी एम नॉट का या डी नॉट का कंडीशन है, उसमें देखेंगे आपके डेटा आपके पास कनेक्शन इंटरनेट की आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ये कंडीशन हाई है तो आपके पास ये वन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ज़ीरो, ये ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो हो जाएगा, तीनों आपका ज़ीरो हो जाएंगे जिसका कोड ऑन है, यानी वो कंडीशन आपके पास वन हो जाएगी। उसके बाद है वन वन, आपके पास कोड है वन वन कोड है वो आपके पास एम टू का, एम वन का, एम वन की कंडीशन आपके पास वन हो गई, ये आपके पास बकाया एम नॉट ज़ीरो हो जाएगा, ये भी आपके पास ज़ीरो होगा और आपके पास ये भी ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद ज़ीरो वन जो कोड है वो आपके पास एम टू का है और उस वक्त डेटा की लाइन भी आपके पास हाई है, तो आपके पास एम नॉट भी ज़ीरो हो जाएगा, एम वन भी आपके पास ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास एम टू की कंडीशन आपके पास वन हो जाएगी और एम थ्री आपके पास अगेन ज़ीरो हो जाएगा। वन वन जो कोड है आपके पास वो है आपके पास एम थ्री का, तो यहाँ पर क्या है डेटा इनपुट्स की कंडीशन अगेन आपके पास हाई है, तो ये आपके पास एम नॉट ज़ीरो हो जाएगा, एम वन भी आपका ज़ीरो हो जाएगा, आपके पास एम टू जो हाई था वो ज़ीरो हो जाएगा और आपके पास एम थ्री आपके पास वन हो जाएगा। फिर आपके पास देखेंगे ज़ीरो 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 कोड है आपके पास एम नॉट का, लेकिन उस वक्त आपके पास लाइन ड्रॉप है, यानी डेटा आपके पास पीछे से ज़ीरो आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपके पास जब डेटा ही ज़ीरो आ रहा है तो आपके पास आउटपुट पे आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो 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 पे वर्क करेगा, तीनों ज़ीरो हो गए आपके पास। उसके बाद है वन ज़ीरो आपके पास कोड है एम टू एम वन का और आपके पास डेटा की इनपुट्स वन है, तो आपके ये ज़ीरो हो गया, अगर आपके पास एम वन की कंडीशन वन हो जाएगी बाकी आपके पास ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। उसके बाद ज़ीरो वन कोड है आपके पास एम टू का और कंडीशन आपके हाई है, तो आगे ये भी वन ज़ीरो हो जाएगा, अगेन ये ज़ीरो हो जाएगा और ये कंडीशन आपके हाई हो जाएगी और ये ज़ीरो हो जाएगी। ये इसकी डी मस्क की कंडीशन है, जो आपके पास जिसका कोड ऑन होगा वो टाइम पीरियड में टी नॉट से टी वन टी टू उस टाइम पीरियड में उसकी कंडीशन हाई होगी अगर आपके पास डेटा इनपुट्स आ रहा होगा। इसको देख लें, इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो उसको आगे उसी में मैं कंटिन्यू करूँगा। मैंने आपको चीज़ समझा दी थी कि वहाँ पर आपका डेटा इनपुट्स है, डेटा इनपुट्स में वहाँ पर मैंने डायरेक्ट आपको डीमक्स इसलिए दिखाया कि आपके पास यहाँ इजी हो जाएगा। अब यहाँ देखें आपके पास वाई आपके पास ये आ रहा है जो डेटा इनपुट्स है। अब यहाँ पर हमें एम नॉट एम वन एम टू एंड एम थ्री, एम नॉट इक्वल टू डी नॉट है, एम वन इक्वल टू डी वन है और एम टू इक्वल टू डी टू है और एम थ्री इक्वल टू डी थ्री है और ये आपके पास वाई इक्वल टू डेटा इनपुट्स है। अब इसमें हम तीन चीज़ें देखेंगे, फर्स्ट देखेंगे एस नॉट एस वन और वाई। जब एस ज़ीरो ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो कोड है एम नॉट या डी नॉट का, तो यहाँ पर एम नॉट का है डी मक्स में और वाई की कंडीशन आपके पास ज़ीरो है, तो आपके पास ये हो जाएगा ज़ीरो, ये भी आपके पास ज़ीरो, ये भी आपके पास ज़ीरो और आपके पास ये भी ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद अगेन देखें वन ज़ीरो आपके पास कोड है टी वन से टी टू तक एम वन का और आपके पास यहाँ पर देखें डेटा इनपुट्स आपके पास हाई है, तो आपके पास एम वन की कंडीशन वन हो जाएगी, बाकी सारे आपके पास ज़ीरो ज़ीरो एंड ज़ीरो इस टाइम पीरियड में टी वन से टी टू तक। अब आ जाए टी टू से टी थ्री तक आपके पास कोड है ज़ीरो वन, ज़ीरो वन कोड है आपके पास एम टू का या डी टू का और इस वक्त आपके पास इंटरनेट की कंडीशन ज़ीरो है, तो आपके पास क्या सारा डेटा आपके पास ज़ीरो हो जाएगा, तो इस पीरियड में आपके पास सब ज़ीरो वर्क करेगा। उसके बाद है वन वन कोड है आपके पास एम थ्री का, लेकिन आपके पास इंटरनेट एक्टिव नहीं है, डेटा इनपुट्स बिल्कुल नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा ज़ीरो, सारा डेटा आपके पास ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद अगेन आपके पास ज़ीरो ज़ीरो है, ज़ीरो ज़ीरो कोड है आपके पास डी नॉट या एम नॉट का, लेकिन उस वक्त भी आपके पास नेट ज़ीरो है, तो आपके पास ये क्या हो जाएगा ज़ीरो
जीरो जीरो एंड एक्स इज जीरो। ठीक है बेटा, उसके बाद अगेन टी फाइव से टी सिक्स तक हम देखेंगे तो आपके पास वन जीरो, वन जीरो में आपके पास देखें आपके पास y डेटा इनपुट्स की कंडीशन आपके पास जीरो आ रही है, तो ये आपके पास जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो एंड जीरो। उसके बाद फिर जीरो वन है, जीरो वन कोड है आपके पास एम वन का, लेकिन यहां पर आपके पास डेटा कंडीशन हाई, तो आपके पास क्या हो जाएगा एम वन आपके पास वन हो जाएगा, बाकी सारे आपके पास जीरो हो जाएंगे। उसके बाद जीरो वन की कंडीशन तो हो गई, उसके बाद वन वन में आपके पास है ये कोड है, तो ये मुझसे एक में मिस हो गई, ये यहाँ पर सॉरी यहाँ जीरो होना था, इसकी कंडीशन हाई होनी है, ये वन हो गया, इसलिए ये एम टू का कोड है, ये जीरो वन 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 कोड है आपके पास एम थ्री का, तो और आपके पास एक्टिव हाई है, तो आपके पास एम थ्री की कंडीशन आपके पास वन होगी, और बाकी आपके पास सारे जीरो होंगे, ये भी जीरो होगा और ये आपका अगेन जीरो हो जाएगा। उसके बाद है जीरो जीरो फिर कोड है आपके पास एम नॉट का, लेकिन आपके पास इंटरनेट की कंडीशन जीरो है, तो आपके पास सारे डेटा जीरो पे वर्क आ जाएंगे। ये आपके पास देखें यहाँ तक आपके पास मक्स है, और ये आपके पास जो आउटपुट आ रही है ये आपके पास कहलाती है डी मक्स। ये इसकी वेवफॉर्म है, देख लीजिएगा, इसको फर्दर कुछ प्रॉब्लम हो खुद एक मरतबा कर लीजिएगा तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा।